हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल। जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं अब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे जैसे, तो पहले हमें अपना सी पैनल ओपन कर लेना है। तो मैंने अपना होस्टिंग ओपन कर लिया। तो जैसे आपका अगर होस्टिगेटर में होस्टिंग होगा तो आप होस्टिगेटर में सीधा लॉग इन करके सी पैनल खोल सकते हैं, जहाँ पर भी आपको होस्टिंग हो। ठीक है, सब जगह का अलग अलग होता है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल। जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने सी पैनल में आ जाना है। तो सी पैनल में हम लॉग इन कर लेते हैं। एक मिनट, हमारा सी पैनल लॉग इन हो गया। देखिए दोस्तों, हमारा सी पैनल लॉग इन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना है, हमें अपने सी पैनल में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो आप सीधा नीचे यहाँ पे वर्डप्रेस मिलेगा आपको, एक ये वर्डप्रेस। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको आपके में ये यहाँ पे ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस। देखिए, मैंने वर्डप्रेस डाला है, यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस। तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका वर्डप्रेस खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी इतनी सारी वेबसाइट बनी हुई है, तो मैं अभी एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। पहले मैं एक वेबसाइट डिलीट कर देता हूँ आपको आपको दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आप यहाँ पे एक अपनी वेबसाइट डिलीट करूँगा। ये हमारी वेबसाइट है adscra.com। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, अनइंस्टॉल। यहाँ से मैंने इसको कर दिया रिमूव। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, अभी डिलीट हो जाएगी। जब यहाँ पे 100% हो जाएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हमारी वेबसाइट ठीक है, इसमें एड वगैरह सब चीज़ लाइव है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम सीधा वर्डप्रेस पे जाएंगे। और दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा उसका यहाँ पे इंस्टॉल लिख रखा है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, जिस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, या फिर जिस डोमेन पे आपको वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस वेबसाइट है, उस पे उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ adscra.com। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे ब्लैंक रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम बना सकते हैं, ताकि आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो फ्यूचर में आपको याद रहना चाहिए यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। तो बना के एक जगह ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ सीधा इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर आप डाल देंगे तो जो आपने जो ऊपर ये यूज़र नेम पासवर्ड डाला था, ये यूज़र नेम पासवर्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे तो मैंने यहाँ पे ईमेल डालने में ज़रूरत नहीं है, मैं इसे इंस्टॉल कर दूँगा। देखिए, अभी इंस्टॉल हो जाएगा। एक मिनट लगेगा या दो मिनट, एक दो मिनट में इंस्टॉल करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो अब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। एक मिनट वेट कर लीजिए, अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमें बस वेबसाइट बनाना रहेगा डायरेक्ट लॉगिन करके। टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमारा वेबसाइट का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये हमारा लॉगिन है। ठीक है, wp-admin, जहाँ से हम लॉगिन करते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, ये वर्डप्रेस पैनल का लिंक है। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस पैनल खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारा वर्डप्रेस पैनल लॉगिन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा लॉगिन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो है, हम सीधा जाएंगे वर्डप्रेस मैनेजर में। ये वर्डप्रेस मैनेजर है। ठीक है, सब में अलग अलग स्क्रीन हो सकता है, कोई दिक्कत जो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम होता है ये वर्डप्रेस मैनेजर। ठीक, तो यहाँ पे हमने अभी ये वाली वेबसाइट इंस्टॉल करी है। ठीक है, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉगिन होना चाहिए। तो हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद फिर आपको सीधा जो है प्लगइन्स पे जाना है। प्लगइन्स पे जाने के बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपके देख लेना, आपको जो जो प्लगइन जैसे यूज़ के लग रहा है उसको रहने दे। बाकी जो भी एक्स्ट्रा प्लगइन हो आप सारे डिलीट कर दे। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद पहले हमें डीएक्टिवेट करना है, तो डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, डीएक्टिवेट करने के बाद फिर सिलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे जितने प्लगइन सारे प्लगइन डिलीट हो जाएंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों,
ये सारे प्लगइन डिलीट हो गए हैं। अब उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा थीम्स पे जाना है। थीम्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे 3-4 थीम है, तो ज़्यादा थीम रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हम थीम एक दो डिलीट कर देंगे। पहले हमें इस पर ओपन करना है, ठीक है। तो कोई बात, हम थीम बाद में डिलीट करेंगे, पहले हम ऐड न्यू थीम करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जो अभी थीम बता रहा हूँ आपको, वैसे जनरेट प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक स्टार्टर, जो एक नया बंदा जो फ्रेश नया ब्लॉग स्टार्ट करता है, माय फर्स्ट ब्लॉग, तो उसके लिए आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिक आपका लिए यहाँ पे फ्री थीम से आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं नाम बता दूंगा, एक जनरेट प्रेस है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा है हमारा आस्ट्रेस है, ठीक है, ये हमारा आस्ट्रेस है, हाँ। तो और एक थीम और मैं जो यूज़ करता हूँ, एक न्यूज़ मैग है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे NEWS न्यूज़ MAG। देखिए दोस्तों, मैंने न्यूज़ मैग सर्च किया, यहाँ पे न्यूज़ मैग ये आ गया, क्रोम न्यूज़ मैगजीन, ठीक है। एक ही थीम है, थीम लगाते हैं, हमारा वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन मैं ये वेबसाइट, मैं ये थीम यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मेरा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा, मेरा था हाँ NEWS। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने क्या डाला है, नेट मैक डाला, ठीक है। ये नेट मैक थीम है, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है दोस्तों, मेरे को इसकी ज़रूरत है। तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, हमारा थीम एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद फिर हमें, देखिए दोस्तों, हम ये हमारा वेबसाइट है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इस पर ना आपको दिखाने के लिए एक दो आर्टिकल लिख लेते हैं, ताकि लुक अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो वैसे आपको कॉपी पेस्ट आर्टिकल नहीं लिखना है, मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। ऐड पोस्ट, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है। तो हम पहले कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे जो कैटेगरी, हम जिस कैटेगरी में आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो कैटेगरी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉलीवुड डाल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ न्यूज़ NE, एक मिनट, न्यूज़, मैं न्यूज़ डाल दिया दोस्तों, ठीक है। एन कैपिटल कर देता हूँ, उसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। न्यूज़ के बाद फिर मैं इसमें डाल देता हूँ स्पोर्ट्स SPORT, स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स के बाद यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे एंटरटेनमेंट डाल दिया, उसके बाद हमने इसमें एंटर कर दिया, ठीक है दोस्तों। हमारे एंटरटेनमेंट 3 कैटेगरी हमने बना दिया, ठीक है दोस्तों। 3 कैटेगरी हमारा बन चुका है, लेकिन उसके बाद हमें मेन्यू भी तो क्रिएट करना पड़ता है ना। पहले मैं वेबसाइट दिखाया, तो देखिए वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा वेबसाइट इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सैम्पल पेज दिखा रहा है, मेन्यू नहीं, मेन्यू में उस पर सैम्पल पेज कुछ भी नहीं है, हम मेन्यू में इसको ऐड करना है। तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस में, यहाँ पे मेन्यू पे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मेन्यू पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको Menu 1, ठीक है। तो आप Menu 1, 2 जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे Menu 1 पहले से क्रिएट हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे हम हमारा Menu 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सैम्पल पेज, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव हो गया। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरीज पे, ठीक है। कैटेगरीज में भी ऑल पे करेंगे, हमने एंटरटेनमेंट था इसको ऐड करेंगे, उसके बाद न्यूज़ था, स्पोर्ट्स था, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमें दोनों कैटेगरी ऐड हो गई दोस्तों, ठीक है, दो कैटेगरी ऐड हो गई। अब हम इसको जो है, हम इसको जो है पब्लिश कर देंगे, यहाँ से क्रिएट कर देंगे, क्रिएट मेन्यू पे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, क्रिएट मेन्यू हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेव पे क्लिक करेंगे, सेव मेन्यू, तो हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। सेव होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डिसेबल प्रीमियर मेन्यू पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों, हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है मेन्यू क्रिएट होगा, होम, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, स्पोर्ट्स, ठीक है दोस्तों, मेन्यू बन गया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज बनाना पड़ता है, तो उसको बताया था कैसे बनाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहले हम जाएंगे प्लगइन्स में, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम डालेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्लगइन आएगा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म से, हमें इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे तुरंत, ठीक है। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारे एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अब इसको हम सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें एक फॉर्म है, फॉर्म को इसमें कॉपी कर लेना, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जाना है, ये पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये पोस्ट है, ये पेजेस है, पेज पे जाना है, ऑल पेजेस पे जा सकते हैं, यहाँ पे हम ऑल पेज पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड न्यू पेज है, ऐड न्यू पेज पे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐड न्यू पेज पे जाने के बाद फिर हम यहाँ पे जो है
एक यहाँ पे टाइटल डाल दें कॉन्टैक्ट पेज बनाने के लिए, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो जो कोड कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। पेस्ट करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हमने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब फिर हम इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से इसका ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू पे जाएंगे इसका प्रीव्यू भी दिख जाएगा। देखिए दोस्तों पब्लिश करने से आप प्रीव्यू पहले प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो हमने इसको पब्लिश कर चुके हैं, इसको हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद हमारा एक पेज था प्राइवेसी पॉलिसी, इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट पेज होता है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी हमें अपनी तरफ से बनाना पड़ता है, प्राइवेसी पॉलिसी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। हमने इसको पब्लिश कर दिया और फिर उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा एक अबाउट अस का पेज आता है, तो हम ऐड एक पेज और ऐड कर देंगे अबाउट का, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे ABOUT अबाउट, ठीक है। अबाउट में यहाँ पे जो आपका अबाउट वेबसाइट का बारे में वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको पब्लिश करेंगे, ये आपका अबाउट पेज बन गया, ठीक है दोस्तों। फिर बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद देखिए इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरे चार पेज बन गए, अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये फालतू है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ट्रस्ट पे क्लिक किया हमने, डिलीट हो गया, ठीक है। और दोबारा से जाएंगे मेन्यू पे, मेन्यू पे जाने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे मेन्यू पे, ठीक है, अपेरेंस पे मेन्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है ना पेजेस ऐड नहीं हुआ, ठीक है, मेन्यू में ऐड नहीं, हमें मेन्यू में ऐड करना है। यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन था, कैटेगरी यहाँ से ऐड होती है, ठीक है। और यहाँ से कस्टम लिंक ऐड होता है, यहाँ से पोस्ट ऐड होती है, यहाँ से पेजेस, तो पेजेस पे जाएंगे, यहाँ हमें व्यू ऑल पे करेंगे, एक होम पेज, प्राइवेसी पेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, होम पेज ऑलरेडी है इसको छोड़ के बाकी सारे ऐड कर देंगे, ऐड टू मेनू, ठीक है। मेनू में सारे पेज ऐड हो गए, ठीक है दोस्तों। प्राइवेसी पॉलिसी को आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको अब सब वो सब मेन्यू बना सकते हैं इस तरह के, सब मेन्यू जैसे एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू, दूसरे मेन्यू के अंदर तीसरा मेन्यू, जैसे ये हमारा सब मेन्यू हो गया, देख, ठीक है दोस्तों। सब मेन्यू से अबाउट है, अबाउट के अंदर सब मेन्यू, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, सेव करके मैंने सेव कर दिया, देखिए उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सब मेन्यू बन गया, ठीक है। सब मेन्यू इसी तरीके से बनता है, आप जितना मर्जी सब मेन्यू बना सकते हैं, इसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और सब मेन्यू, ठीक है। सब मेन्यू ऐसे बनते हैं, इसके अंदर हमको इसको ना बस अंदर बाहर कर देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम इसको बाहर करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, बाहर हो गया, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ पर जाके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए दोस्तों हमारे अकाउंट ये सब पूरा पेज बन गया, ठीक है। अब हमें बस पोस्ट लिखना बाकी रहेगा, ठीक है। तो हम पोस्ट एक लिख के दिखा देते हैं एक बार आपको, यहाँ पोस्ट पे जाएंगे, ऑल पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हेलो वर्ड नाम से एक पोस्ट लिखा हुआ है जो आपके यहाँ पे हेलो वर्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको तो हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप नया पोस्ट लिखेंगे, लेकिन मैं आपको डेमो के तौर पे कुछ भी लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप भी कुछ भी मत लिखना, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जब आपको पोस्ट लिखना है, यूनिक लिखना है, कंटेंट कहाँ से लाना है, उसके लिए अलग वीडियो बोल देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट से आर्टिकल कॉपी करके लिख लेता हूँ, मतलब वेबसाइट को बताने के लिए। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल एक ओपन कर लेता हूँ। आर्टिकल ओपन करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस खाली हमें हेडलाइन कॉपी करना है, मतलब हेडलाइन यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडलाइन मांगे, हेडलाइन हम डाल देंगे, ठीक है। हेडलाइन हम डाल दिया, फिर इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांगे, डिस्क्रिप्शन में जो है वो हम इसका जो है बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, आर्टिकल किस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, देखिए दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। और इतना इतना काम करने में एक मिनट, ये सर इसको इसमें ऐड साइड लग गया है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको हम कमी करेंगे, ये हम इसको कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लिया हमने, अभी हमने इसको डाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है दोस्तों कि हमें यहाँ पे पोस्ट पे जाना, देखिए ब्लॉग पे था, पोस्ट पे जाएंगे। पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी में जरूर सेलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैटेगरी में हम एंटरटेनमेंट डालेंगे, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हमारा स्पोर्ट्स आर्टिकल है, हमने स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। कैटेगरी उसके बाद टैग्स में जाएंगे, टैग्स में आप टैग डाल सकते हैं ताकि रैंक ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे SPORTS स्पोर्ट्स, ठीक है। इसको स्पोर्ट्स का एंटर मार, एक टैग डाल दिया, ठीक है। आप कितनी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। और SEO के, SEO भी करना पड़ता है, SEO के कीवर्ड भी इसमें डालने पड़ते हैं, वो अगले वीडियो में बनाऊंगा, इसमें बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीचर फीचर इमेज पे जाएंगे, फीचर इमेज पे ऐड क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट फीचर इमेज पे, तो यहाँ पे अपनी फाइल अपने इसमें से कोई भी फीचर इमेज आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने इसी में से लाइब्रेरी में से लगा देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, शायद अपलोड करना पड़ेगा।
तो मैं आपको डेमो के लिए कुछ भी फीचर मिला के दिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक मिनट मैं ढूंढ लेता हूँ फीचर में जिसमें मुझे फीचर मिल होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मैं ये फीचर में लगाया था अभी दिखाने के लिए, और फीचर में अब सॉरी शायद ये किसको कैंसिल करना पड़ेगा, मैंने शायद MP3 अपलोड कर दिया, इसको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। एक इमेज इसमें मिल रहा नहीं है शायद, इसमें ढूंढना पड़ेगा। हम जाते हैं, हम इस इमेज को पहले डिलीट पहले डाउनलोड कर लेते हैं, इसको लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हमने सेव एज पे किया, इसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये हमारा ऐड हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, देखिए हमारे फीचर इमेज आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं SEO के लिए, ठीक है वो। और फिर यहाँ पे डिस्कशन है, ठीक है, अलाउ कमेंट हमने कर दिया। पब्लिश पोस्ट प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं पोस्ट हमारा कैसा बना है, दोबारा से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये पब्लिश है, यहाँ पे ना टाइम भी सेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे कल का, तो आप आज पोस्ट डाल दो और कल की डेट में ये पब्लिश हो, आज पब्लिश नहीं हो, आज कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो कल की डेट में रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएटली कर रखा है, मतलब इंस्टेंट, ठीक है, मतलब तुरंत। तो हमें तो इंस्टेंट अभी करना है, तो हम अभी करेंगे। यहाँ पे देखिए टाइम सेट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, कट कर देता हूँ। पब्लिश प्रीव्यू करके देखेंगे, प्रीव्यू हो जाएगा, मैं प्रीव्यू नहीं कर रहा, टाइम खराब होगा, इसको मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ। पब्लिश कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको वेबसाइट रिफ्रेश करूँगा, देखिए दोस्तों वेबसाइट में हमारा एक आर्टिकल आ गया, ठीक है, एक आर्टिकल आ गया। तो कम से कम एक दो आर्टिकल होंगे तभी वेबसाइट देखने में सही लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक दो आर्टिकल लिखना तो पड़ेगा कम से कम। तो मैं एक और आर्टिकल लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। सपोज मैं एक आर्टिकल और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे को ये पेस्ट करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है, ठीक है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल हो गया, ठीक है दोस्तों। दूसरे आर्टिकल में हम क्या करेंगे, एक दूसरा आर्टिकल में हमें एक इमेज लगाना पड़ेगा, तो हम उसमें भी एक इमेज लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए डाल सर्च करेंगे गूगल पर, बहुत इमेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इमेज वर्ड, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे हम डाल देंगे WSS, ठीक है, आगे इमेज। अब इसको हम जो है ना सेव कर लेंगे, ठीक है, मैं सेव एस पे कर लिया है, एंटर, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार ब्लॉक को, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। कैटेगरी में यहाँ पे स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पोर्ट्स का आर्टिकल, यहाँ पे आप टेक डाल लेना, मैंने नहीं डालूंगा। यहाँ पे फीचर इमेज डाल देना, फीचर इमेज मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, ये MP3 नहीं, अच्छा JPG कोई बात नहीं, पहले का शायद कोई नहीं चल जाएगा। इसको मैंने कर दिया पब्लिश। अब मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी वेबसाइट में दो आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक ब्लॉग बन के तैयार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, इतना काम होने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कस्टमाइजेशन पैनल खुल जाएगा, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है, यहाँ पे आपको जाना है थीम्स ऑप्शन पे, थीम्स ऑप्शन पे जाएंगे, साइट आइडेंटिटी यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट लोगो, अपना लोगो लगा सकते हैं, जो आपका लोगो हो बना के, यहाँ पे साइट का नेम डालना है, ठीक है, मतलब लोगो जो मैं यहाँ पे साइट का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं साइट का नाम यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइट का नाम, और कैपिटल यहाँ पे बड़ा डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे adsker.com आ गया, ठीक है। यहाँ पे माई वर्ड प्रेस ब्लॉग है, तो यहाँ पे डाल देंगे माई वर्ड प्रेस न्यूज़, ठीक है, माई वर्ड प्रेस न्यूज़, ठीक है, माई वर्ड प्रेस न्यूज़ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे साइड आइकॉन है, साइड आइकॉन आप डाल सकते हैं। साइड आइकॉन किसे कहते हैं, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा सा आइकॉन, ये छोटा सा कोने में, इसको साइड आइकॉन कहते हैं। यहाँ पे साइड आइकॉन डाल सकते हैं, और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो हमारे सेव हो जाएगा, ठीक है, बैक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कलर में आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साइड आइडेंटिटी तो मैंने बता दिया, जनरल सेटिंग में जाएंगे ये, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन में आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप सारे सेटिंग है आप चेंज करके चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेन्यू है, मेन्यू भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप मेन्यू है, मेन्यू आपको खुल के देखिए, ऐड आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे मेन्यू पे ऐड कर सकते हो और आइटम, ठीक है, यहाँ से भी होता है, अंदर से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, विजिट पे जाना है। विजिट पे ना देखिए दोस्तों, ये आपका ना विजिट होता है, एक विजिट, दो विजिट, तीन विजिट, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते, लगा सकते हैं, वो अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो विजिट कैसे लगाना है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इतना आपको ब्लॉग बन के तैयार, तो अब इसमें क्या बाकी रह गया देख लेता मैं अभी, ठीक है। देखिए हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो गया, कितनी मिनट में हुआ,
5 10 5 मिनट में हो गया। अगर आपको खैर टाइम लग सकता कोई दिक्कत नहीं है,